देहरादून हेलो ये लूं ये लूं या फिर ये लूं या फिर ये। और 5,000 का बहुत महंगा नहीं है? 1,00,000 रुपए सेव करके आया था, पूरे खर्च हो गए। फाइनली मैंने ये ले लिया है, अब कुछ तो हमने ले लिया है, बस अब मोड़ी तुम्हें चीज मिल गई। पता नहीं आर्टेंस जब भी मैं ना कुछ करने की सोचता हूँ ना तो पता नहीं मेरे को नींद ही नहीं आती है जब तक काम ना आ जाए, इसलिए अभी 5 बजे ही उठ गया मैं आज। गुड मॉर्निंग, इतनी प्यारी सुबह हो रही है देहरादून से आप सबको। हाय गुड मॉर्निंग आर्टेंस, बाकी आई मिस यू मॉम, बाकी माँ मैं अच्छा करूँगा, ठीक है, आई लव यू। चल चलो आर्टेंस मिलता हूँ थोड़ी देर में, जब हम सीधे मार्केट जाएंगे। ओके हेलो देहरादून, हेलो। फाइनली आर्टेंस आज हम लेने जाने वाले हैं GoPro और Insta360 में से जो भी लेंगे वो आपको देखने को मिलेगा। मुझे क्या लेना चाहिए, Insta360 लेना चाहिए या फिर GoPro Max? आपको नॉलेज है इन चीजों का? 360, ठीक है, कूल कूल, थैंक यू, टाटा, रेडी टू गो, टाटा। ओके आर्टेंस, मुझे अच्छा लगा देहरादून में, लाइक काफी लोग अच्छा मानते हैं, थैंक यू देहरादून वालों, थैंक यू। देहरादून में ऐसे सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलते हैं। अंकल जी हमसे रेस लगाते हैं, आप देख सकते हैं। आर्टेंस फाइनली मैं लेने वाला हूँ, क्या लूंगा बता नहीं, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। परफेक्ट एकदम फिटिंग आएगा, दोनों लेंस भी आ जाएंगे, अरे चेक तो करें। आर्टेंस यार GoPro Max नहीं आता है, GoPro 12 आता है, तो अगर आप GoPro Max लेने की सोच रहे तो GoPro Max नहीं आता है, तो ऐसे भैया बोलना तो पता नहीं। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, देखो पहले मैंने दीपक भैया का दिमाग खराब कर लिया, भैया इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है लेट्स डू दैट। मैं और भी चीज़ मंगा रहा हूँ GoPro, ये कौन से भैया? 11। ये क्रिएटर एडिशन है। ओके, इसमें यू आर गेटिंग वोल्टा जिसमें 10 आवर का बैटरी होता है एंड LED एंड मीडिया मोड जिसमें आप माइक वगैरह लगा सकते हो 12 में। इसका मैं एक बार डेमो भी लगा। ठीक है तो सेक्सी है, पर ये बेटा उतना महंगा ही है, सेक्सी का क्या है, 61,500 का ये एक्चुअल में कोई चीज वाला है। एंड के भी आप यूज कर सकते हो। एक इनका फ्रेम वीडियो क्वालिटी कैसा है इसका? मैं सर ऐसे भैया सबसे बेस्ट कौन सा है एज लाइक प्राइस के अकॉर्डिंग भी और मतलब काम के अकॉर्डिंग भी? डिपेंडिंग ऑन ये तो आपका शूट कैसा आपका शूट रहता है, मतलब मेन आपको ब्लॉग है किस पर्पस पे है उस हिसाब से। भैया बेसिकली तो मेरा मोटो व्लॉगिंग है, मोटो व्लॉगिंग, हाँ जी, और लाइक ट्रैवल का भी है। हाँ अभी मैं चेक कर रहा हूँ, GoPro माइनर है ये, GoPro 11 है ना। आर्टेंस अब 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो चेक करके लूंगा ना पूरा। यार मेरे को उसका लग तो सही रहा है, एक सेकेंड आर्टेंस। तो आर्टेंस ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है देखो, लेकिन देहरादून का जैसा मौसम कम है तो लाइक मैं GoPro 11 अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी फोकस को। ओके, तो जैसे भी मौसम कम है तो ये एकदम धुंधला। और मौसम कम क्या होता है? मौसम मतलब मौसम ना तो धूप ही नहीं है तो ये मतलब एकदम मौसम कम क्या, अरे खराब है बोलो, मौसम मौसम कम है तो मैंने चेक कर लिया, मतलब ठीक ठाक लगा। दूसरा X3 हाँ बाहर तो है ना, लाइटिंग उसकी क्वालिटी है ना, थोड़ा सा डल लग रहा है बाहर, डल लग रहा है। सो आर्टेंस आई विल गो फॉर, भैया कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं, यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उन पे पीस रहते हैं। थैंक यू। अभी मैं सेकंड चेक करने वाला हूं, मैंने 11 किया था ना GoPro, ये वाला जो मेरा ऑल फेवरेट है, जो मेरी आर्टेंस सच में जाती है मैं यही लूँ, तो मैं चेक करता हूँ एक बार आर्टेंस। वी विल चेक Insta360 जो आप सब मुझे लेने के लिए बोल रहे हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं। बाकी आर्टेंस करो जो जो तुम्हारी मन की है।
करो वो सॉरी वो किसी किसी के डिस्प्ले भी वो होती है। सो आर्टेंस मैंने दोनों देख दिए, इंस्टा 360 और 11 और 12 प्रो, 13 प्रो मैक्स तो आना ही बंद हो गया है। 13 भैया मैं पहले तो श्योर थी कि मैं इंस्टा 360 लूंगी, आपने मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया है अब सच में। क्या करूँ बताओ। क्या लूँ यार, लास्ट में मैंने कुछ नहीं करना है क्योंकि देखो आर्टेंस जिनको ज़्यादा नॉलेज होता है उनकी सुननी चाहिए अभी, तो मुझे क्या करना है मुझे बताओ। लेने तो ये आया था, पता नहीं मुझे ना अभी मैंने चेक किया आर्टेंस, मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है, अब देखते हैं आपको मैं सही रिव्यू दूंगा ठीक है। टेंशन नहीं, हल्का है देखो भाई, सच में बहुत हल्का है, उसी चीज़ का तो रुपए हैं। कार्बन फाइबर कार्ड्स में भी यूज होता है ना, किसी को मारने के काम जरूर आ जाएगा डाइडो, मछली पकड़ने के काम अच्छा लगेगी। अगेंस्ट मैं एक चीज लेने आया था और बाइक में तो इतनी सारी चीजें लगती है मुझे आप पता चल रहा है, बाइक माउंट फिर मेरा इंस्टा 360 का ऊपर का कवर, मतलब हैंग कर पैसे जाने वाले मेरे पता है। एक घंटे से अभी मैं चूज ही कर रहा हूँ मैं क्या लूँ, क्या लूँ यार भैया क्या लूँ अब आप बताओ मुझे। मैं नहीं बोल सकता डैडा बताओ क्या लूँ मैं, अभी हमने क्या लूँ मैं, मैं फीचर बता सकता हूँ, ये लूँ या फिर ये लूँ या फिर ये लूँ, आपको वही बताऊंगा जो बेस्ट है। आपके बेटे बोले वो ऐसी ने दे बोले सौ सौ में लगा था का जोड़े के भाग का 1 2 3 I'm gonna take this। ये तो मैं इंस्टा 360 आया था लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ेगी मुझे, इसका बच्चे हैं अभी देखो 2-3 ये क्योंकि इंस्टा 360 मुझे बेस्ट लग रहा है अभी के लिए, वैसे ये भी बहुत अच्छा है ना, बट वही है जो मेरे काम आएगा मुझे वही लेने चाहिए। एंड ये मैं हेलमेट वगैरह के लिए सोच रहा हूँ, एक चाहिए मैं क्या लेता हूँ, एक गोप्रो को चेक करना है 20-25 आ जाए भैया यहीं पे करूँगा मैं लाइटिंग में ठीक है। आर्टेंस मैंने फाइनली ले लिया है, वैसे मैंने कुछ आपकी चॉइस का ही लिया है लेकिन मैं फिर भी बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मेरा बजट लाइक 70-80 तक जा रहा है एंड मैं 70 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, तो बहुत बड़ी। डाइडा पानी की बॉटल भी रख रहा हूँ अपने बैग में, सो 70,000 जा रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सोच समझ के लिया मैंने। वैसे भैया एक गोप्रो के साथ तो ये फ्री मिलना चाहिए। कौन सा? हाँ भैया क्योंकि निकॉन के आप ही बोल रहे थे अब इतना चलते नहीं तो मेरे को गिफ्ट कर दे। चलो आज मैं फन कर रहा हूँ यार, ये मेरी बिलिंग हो रही है। और भी ज्यादा स्पेशल कर दो मेरे लिए। बिल बना दिया आपने? बिल बाद में व्हाट्सएप पर आपको व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ओके ओके कल आएगा। नाम कर दिया बिटिया का, नाम कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। हां वो आधा मैं इसको घर में अनबॉक्स करने वाला हूं, बंद हो जा। अब जाएंगे पैसे। हां भैया ओके चलो, पैसों से तो हर चीज ही अच्छी आती है क्यों ना के फ्रेंड दोनों गोलू बोलू से तभी तुम बेस्ट फ्रेंड हो क्यों। मेरे तो सारे दोस्त जितने थे वो तब टॉपर थे, मैं ही बुद्धू था पढ़ाई में, अपोजिट बिल तो ऑनलाइन आता है पर कैश ऑनलाइन नहीं करना, सामने करना होता है ठीक है। लुट गया। 51239 कितना कितना लगा बता दो। कुछ डिस्काउंट नहीं किया लास्ट में?
ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, आप राउंड फिगर कर दो 5139 5 कर दो भैया। आप ऐसे तो कर सकते हो ना, आपकी बहन है क्योंकि और डिस्काउंट कोई नहीं, 5 कर दो, 5 कर दो, नहीं 5 ज्यादा होता है, बता कितना है पहले से ही वैसे ही डिस्काउंटेड है, दे दो भैया 51 बोला आपने। हां बेटा 55 बोल रहा हूँ मैं तो, अच्छा मैं अपना कर देती हूँ। हाँ सिंसियर है ना ये, सिंसियर सिंसियर को मैंने क्या बताया था, ही इज स्मार्ट एंड सिंसियर। बाकी आर्टिस्ट आप भी अगर आपको कुछ न्यू गैजेट्स वगैरह लेना है, आप देख सकते हैं कितने खतरनाक खतरनाक हैं, तो आप बिल्कुल अंकल की शॉप में आओ, आपको फुल डिस्काउंट दे देंगे। सिनेमा हार्ट सबको पता है, सिनेमा हार्ट फाइनली आर्टिस्ट गए मेरे 50,500। हाँ अब आज सेनो भी मॉडिफाई होगी, उस पर भी जाएंगे मेरे आधे पैसे, और पैसा पैसा जा रहा है बस, कोई नहीं कमाऊंगा मैं। अच्छा इडली मैंने ले लिया, फाइनली मैंने ये ले लिया है। अब जो सेकंड काम मुझे करना है वो है मुझे हेलमेट लेना है। अब देखो यार मोटो व्लॉगिंग थोड़ा थोड़ा घुस रहा हूँ, तो प्रॉपर अच्छे से करूँगा, जो करते हो अच्छे से करो, चाहे 100% नहीं कर पा रहे हो लेकिन 20% अपना दे पा रहे हो, बेस्ट तो ज्ञान पेलना है तो अच्छे से पेलो, ठीक है आरती। अच्छा इस बार आर्टिस्ट में कोई भी हेलमेट लूंगा तो जो मेरे फेस पे अच्छा लगेगा और मुझे कम्फर्टेबल होगा वो लूंगा, ये नहीं जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है वो लूंगा, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ढीला है, नहीं नहीं देखने के लिए इधर पे वो वाला चश्मा आ जाएगा जो उसमें ब्लैक नहीं, बट मेरे को कोई भी हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे यार, जो मैं सपने लेके आया था वो तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है थैंक यू, दो बार हो गया भाई साहब, स्वागत में डाटा सैटरडे बंद हो गया, मतलब ऐसे इन शॉप में ऐसा है भैया बोलते हैं कि जब आए हो तो कुछ लेके ही जाने, फिर शटर बंद रहता है, ऐसा कुछ है भैया। पिछली बार भी लंच टाइम आई थी ना, ठीक है बाय बाय, ओके नहीं मिला। शॉप में हम आ गए हैं, लेट्स सी यहाँ पे मेरे इस छोटू मुंह के लिए हेलमेट मिल पाता है। वाह पिछली बार मैं यहाँ पे आया था सर बोल भैया बोल रहे अभी मेरा फेस और रेड गया है कि सच में भैया। नहीं भैया मुझे ना ब्लैक चाहिए, ये नहीं मुझे व्हाइट नहीं चाहिए, इसमें फिर कवर कवर तो कर रहा है, ब्लैक होगा ब्लैक। आप इसमें ऑफ रोड का चश्मा लगा, तुम्हारा फेस में आना भी तो चाहिए हेलमेट, तो मेन तो किसको एक बार ट्राई करो, ये भी लूज होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है, लगता है भैया मेरी बेइज्जती मारने के लिए, बेइज्जती नहीं है मैंने तो फिट है, ये भी थोड़ा ढीला है, सही कह रहे हो, कुछ ढीला नहीं है भैया देखो फिट है भैया, इसमें गलत बट सच में ये आपका सही था, ये किट का होगा यार, ये बहुत अच्छा है नो डाउट, लेकिन इसमें ना कंफर्टेबल नहीं आ रहा है, तो फिर बात हुई तो लूज है ना। अरे बहजी ये लोगे ये दिखाना, हां ये थोड़ा वही है मेटल वाला ब्लैक, देख इसको मॉडिफाई करा सकते हो थोड़ा, इसके अंदर तुम्हें कुछ पहनना पड़ेगा वो बिटा भी या फिर वो कुछ आता ना, नहीं ये हेलमेट देखते हैं मेरे लिए कोई हेलमेट जिंदा पैदा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा लगा हेलमेट तो वैसे ना, अच्छा नहीं मुझे इसका ही बहुत बड़ा लग रहा है क्योंकि साइज नहीं है ना, लेकिन ये थोड़ा वो है देख रहे हो ये डिजाइन इसका, मैं ब्लैक में मैं बताऊं मुझे कैसे में चाहिए जो मेरे सपनों का है पूरा, जैसे जैसे मुझे चाहिए। रुको भैया बहजी पहाड़ी छन भैया बोलो तुम्हारा मुंड जत्र कोई भी हेलमेट ना छा, वैसे चाय खजूर डाल दो ये तो बहुत बेस्ट है, पर 5,000 का बहुत महंगा नहीं, क्या वो एग्जॉर का बड़ा एग्जॉर अभी तो ये पकड़ना। आज यान साहब को क्या लगता है मैंने कौन सा हेलमेट लिया होगा, सही बताओ डाइडो, ये लुक नहीं दे रहा है अर्जेंट, मुझे ना ये बहुत पसंद आ रहा है वाला, बट प्राइस देख के मैं डर गई हूँ, दिस कॉस्ट मी ऑफ 5,500 भैया, लेकिन एक चीज बोलूं आप मेरे को डिस्काउंट नहीं लगाओगे, तुम ले तो लो डिस्काउंट क्या लगेगा, चाहे 2-3 सौ रुपए कम कर दूंगा,
मुझे लगा सीधे 4,000 ही कम कर दोगे। डाइडा देख लो क्योंकि भैया हमारे पास 3,000 दिख रहे हैं। 3,000 भैया मैं अपना नुस्खा करने वाला। रुको रुको चूज तो कर दो। पहला वाला है तो ले लूंगा। देखो ऐसे क्यों नहीं लेने हैं, 2-3 दिन है आरती। एक तो आर्टियंस अगर मैंने ऐसे लिए ना तो आप सब मेरे को छपरी छपरी मत। नहीं नहीं वो नहीं, पसंद भी नहीं वो तो चलो ठीक है, बट क्या होता है ना ये आर्टियंस मुझे खुशी हो रही है बट मेरे पैसे भी जा रहे हैं। 1,00,000 रुपए कर, सेव करके आया था, पूरे खर्च हो गए। रबड़ क्यों निकाल दी, रबड़ क्यों निकाल दी। एक गाना है ना भाई याद आपको, तू पैसा पैसा करती है क्यों मरती है। बट ये गलत है, लड़कियों के लिए क्यों बनाएगा ना, आजकल तो सभी मरते हैं भाई पैसों पे। कितने दिए आपने? 5 दिए हैं भैया, वापस जितने करेंगे। 6 दे दिए मैंने गलती से। भैया मुझे वापस कर दो सारे। भैया बोल रहा पैसे हाथ में आ गए तो 4,500 का ही कर दिया आपने। अच्छा मैंने थैंक यू 45 का लगा दिया। क्या मजाक किया यार, इतना तो तुम अरे मैं हूँ अच्छा भैया है ना। थैंक यू यार। वैसे भी आप अपने शॉप का नाम बताओ प्लीज। मोटो जोन। कहाँ पे डाइड हुए? घंटा घर पे पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट। आर्टन्स आप यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं और भैया आपको डिस्काउंट भी कर देंगे। भैया को शायद बहुत मासूम बच्चा लगा, भैया ने खुद ही कर दिए। ज्यादा दो बार आ गई हो ना, हर बार नहीं मिला इस बार। और 500 कम करना भैया, जो सच्चाई वो आप ही बता दो। अच्छा लगा ना आपको? पसंद आ गया ना? हाँ तुम्हें चीज मिल गई। सेकंड डन। बाय बाय डेंस फाइनली मिल गया। और आर्टियंस मुझे ना जहाँ भी जाता हूँ मुझे कुछ कुछ भैया बहुत अच्छे लगते हैं। सच में भैया बहुत अच्छे थे, इसलिए नहीं कि भैया ना थोड़ा डिस्काउंट भी कर दिया, ऐसा नहीं। वो हमारे पॉडी के थे तो काफी अच्छा लगा इनसे बात करके। तो आप आ सकते हैं, ये देख लो सिग्निफिकर्स ऊपर वाला है, इनकी दुकान का नाम है ये मोटो कस्टम। हाँ मोटो कस्टम, मोटो जोन, मोटो जोन में आए नारंग के सामने। सो आर्टियंस सब कुछ तो हमने ले लिया है, बस अब है मॉडिफाई बाइक, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आर्टियंस। एंड सेकंड थिंग कुछ खा लेते हैं यार, भूख लगी है यार। हेलो, लगता है मेरे सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू। कहाँ पे? ताराताल विजिट करो कभी। ताराताल? ताराताल। अच्छा ताराताल से आगे। ठीक है ठीक है। वाव आर्टियंस हमें एक अच्छे से भैया मिले जो इनवाइट करना है। कानाताल क्या बोला? ताराताल। अच्छा वहाँ पे क्या होता है? मैं वहाँ पे जब जाऊँगी आपको बताऊँगी, ठीक है? क्या क्या होता है? मैं हमेशा यही पूछता हूँ, मैं ठीक लग रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा झल्ला बना रहता हूँ ना। हेलो जरूर जरूर यार, फोटो क्या तुम टाटा। हाँ जी बाय बाय। हाँ जरूर बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। जरूर जरूर भैया हमें इनवाइट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं तो अब सेनो से ही आने वाला हूँ अपनी। भैया इंतजार करना हमारा, हम जरूर आएंगे, सेनो से ही आऊंगा टाटा। मिले जा मेरी हार, मिले जा मेरा काम, मिले जा मेरी जात, मिले जा बस मेरी आर्टियंस पर ले जाना मेरे साथ, क्योंकि जब से वो मुझे मिले ना मैं बहुत खुश रहता हूँ। थैंक यू आर्टियंस मुझे बिलीव करने के लिए, लव यू। देहरादून का घंटाघर इतना लंबा है, ये 0.5x में भी नहीं आ रहा है, बताओ। आर्टियंस अभी हम खाना ठूसना है और यहाँ पे मैं दोबारा आया हूँ। पहली बार जब मैं देहरादून में आया था, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाया था, उतना सुंदर लगा मैं दोबारा यहीं पे आया हूँ। खाना पीना है ज़रूर। सो आर्टियंस आज पूरे दिन भर इधर दबकते रहे। आपको तभी 6 बज रहे हैं शाम के, तो अब गाड़ी का तो काम कर ही होगा, हम सीधे घर जा रहे हैं डाइडा के। हाँ मैं बहुत थक गया। बाकी आप मुझे बताओ आपको मेरी चीज़ें कैसी लगी, एंड या रैपिंग के मामले में मैं क्या कहूँ वो मुझे आप बताना। चलो चले नील गगन को। मेरी आईज में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने आई ड्रॉप ली और मुझे भैया दीदी ने डिस्काउंट दे दिया है। थैंक यू भैया, बाय बाय, टेक केयर।
और मेरे आंखों में पता नहीं क्या हो गया था, मैं कल भी बताया था, अभी भी मैंने ड्रॉप ले लिया, आप देखते हैं सिर्फ ठीक होगा तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। जिन दीदी से मैंने आपको मिलाया ना, मैं जैसे ही गया ना वो देख, मतलब इतनी प्यारी स्माइल उनके फेस पर आ रही थी मुझे देख के, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छी स्माइल आनी चाहिए तो आता है ना मजा। यू सो ऑडियंस, एक गुड थिंग अपने बारे में बताता, जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना जैसे, तो मैं कुछ ना कुछ लेके जाता, तो अभी ना मेरा जैसे भिंडी खाने का मन है तो मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी खुश हो जाएंगे ना डायरेक्ट की, ऐसा अच्छा लगता है। तो कभी आप कहीं जाओ तो आपको भी ले जाना चाहिए, अच्छा लगता है। कल आर्टियन सेंड होगी मॉडिफाई, 1 लाख की शॉपिंग करके आए हैं। चलो दिखाता हूँ क्या क्या, लेट्स गो। आज 1 लाख की शॉपिंग करके आए हैं। 1 लाख।